तालिबान ने पार की हैवानियत की सारी हदें, बुर्का न पहनने पर महिला को मार डाला। तालिबान के तखर में तालिबान अफगानिस्तान के तखर में तालिबान ने महिला को गोली मारी, जहां भीड़ के सामने महिला के सर पर गोली मार दी। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों का मानवीय चेहरा आया सामने, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चला रहे हैं कोड़े, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं तालिबान। काबुल एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान, काबुल हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों को तालिबानी देते हैं गाली। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सामने आया तालिबान का असली चेहरा, तालिबान ने पत्रकारों को पीटा और हवाई फायरिंग की यहां पर। काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीर आई सामने, काबुल एयरपोर्ट के आसपास के हालात अभी भी बेकाबू, अमेरिका में अपने लोगों को रेस्क्यू करने में आ रही है दिक्कत। अमेरिकी नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट पर घुसने में आ रही है दिक्कतें, एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सेना और बाहर तालिबानी तैनात। तालिबान ने काबुल में नाटो के दफ्तर में की तोड़फोड़, काबुल में मौजूद दफ्तर में तबाही मचाई गई, अफगानिस्तान पहले ही छोड़ चुका है नाटो। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखाया असली चेहरा, भारत के साथ व्यापार रोका, आयात निर्यात पर लगाई रोक, ड्राई फ्रूट्स के दामों में भारी इजाफा। तालिबान को एक और बड़ा झटका, अमेरिका के बाद IMF ने लगाया 3,400 करोड़ रुपए की इमरजेंसी रिजर्व पर बैन। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब चेहरा चमकाने में जुटे तालिबानी कमांडर्स, पश्तो के साथ साथ अंग्रेजी बोलते दिख रहे हैं तालिबानी कमांडर। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी अराजक स्थिति, तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ पर की फायरिंग, किसी भी हालत में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं लोग। अफगानिस्तान से आने लगी है तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें, कंधार स्टेडियम में अफगान सेना के 4 बड़े कमांडर्स को लटकाया फांसी पर। महिलाओं को बराबरी देने की बात पर तालिबान का यू टर्न, कहा शरिया कानून होगा लागू, लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाए या नहीं दिया जाए उलेमा तय करेंगे, बुर्का और हिजाब पर भी फैसला वही करेंगे। अफगानिस्तान में महिलाओं पर बढ़ता तालिबान का जुल्म, बुर्का नहीं पहनने की वजह से महिला को तालिबानी आतंकियों ने गोली मार दी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से बचने की मची होड़, काबुल से आए दिल झकझोर देने वाली तस्वीर, मासूम बच्ची को कंटीली तारों से पार कराते हुए लोग नजर आए। अफगान आर्मी के जवान का वीडियो हुआ वायरल, तालिबानियों के सामने हथियार डालने से किया इनकार। अफगानिस्तान में छिड़े गृह युद्ध पर एक बच्ची का वीडियो सामने आया, जहां दुनिया से अफगानियों के लिए दुआ करने की अपील की। अमेरिकी जवान की मानवीय चेहरा आया सामने, ग्लोबमास्टर में सवार एक बच्ची को ठंड से बचाने के लिए अपनी वर्दी पहनाई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई, तालिबान के डर से पाकिस्तान में लोग शरण ले रहे हैं। काबुल में बंदूक के दम पर शांति बहाल करने की कोशिश, गाड़ियों पर मशीन गन के साथ इलाकों में गश्त लगा रहे तालिबानी लड़ाके, अफगान पुलिस की गाड़ियों में घूम रहे हैं तालिबानी आतंकी। तालिबान के कब्जे के बाद वीरान हुआ पूरा काबुल शहर, जान बचाने के लिए घर में लोग कैद हैं, सड़कों पर अफगानी झंडे भी हटाए गए। यूएई में शरण लेने के बाद पहली बार सामने आए पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, कहा मुल्क नहीं छोड़ता तो तालिबान मुझे फांसी पर लटका देते। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी ने कहा काबुल में रुकता तो कत्लेआम हो जाता, पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात को अफवाह बताया। खुद को भगोड़ा कहने वालों पर बरसे अशरफ गनी, कहा उन लोगों को मेरे बारे में नहीं है जानकारी, जो मुझे नहीं जानते वो ना सुनाए फैसला। अशरफ गनी ने कहा तालिबान से बातचीत का नहीं निकलता कोई नतीजा, मैंने अपने मुल्क के लोगों को खूनी जंग से बचाया। परिवार के साथ अबुधाबी में है अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, UAE सरकार ने की पुष्टि, मानवीय आधार पर शरण देने की बात कही। काबुल में तालिबानियों की सियासी बैठकें भी शुरू, सबसे युवा सदस्य अनस हक्कानी ने फाउंडर मेंबर के गुलबदीन के साथ की बैठक। अफगानिस्तान पर पाक PMO का ट्वीट, कहा अफगानिस्तान में नहीं था कोई सैन्य समाधान, 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कर रहे त्याग्रह राजनीतिक समझौते से निकल रहा है। तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर से अपने संबंधों को कैश कराने में जुटा जैश प्रमुख मसूद अजहर, देवबंद से है दोनों देशों का ताल्लुक, मुसीबत पड़ने पर करते हैं दूसरे की मदद। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही सबसे पावरफुल आतंकी संगठन बन जाएगा जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर अब्दुल गनी बरादर से कई बार कर चुका है मुलाकात। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने तालिबान आतंकी मुल्ला मोहम्मद रसूल को किया रिहा, 5 साल पहले किया गया था गिरफ्तार। अफगानिस्तान बैंक ने छुपाया सरकारी खजाना, 74.26 हजार करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति तालिबान को मिलना मुश्किल। अफगानिस्तान की संपत्ति को अमेरिका नहीं करेगा तालिबान के हवाले, अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज की। दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान पर कब्जा चाहता है चीन, अफगान की मेस एनक में फिर से खनन शुरू करने के लिए चीन ने तालिबान से शुरू की बातचीत। अफगानिस्तान के खनिज बाजार पर भी कब्जा करना चाहता है चीन, पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया में अपनी धमक जमाना चाहता है ड्रैगन।
तालिबान की गोलियों और खौफ के साए में आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। तालिबान के खौफ से देश छोड़कर भाग रहे हैं। ताजिकिस्तान में अफगान दूतावास से हटाई गई अशरफ गनी की तस्वीर, अमरुल्ला सालेह की फोटो लगाई गई, सालेह ने खुद को घोषित किया है अफगानी राष्ट्रपति। काबुल में तालिबान के जुल्म सितम की नई तस्वीर आई सामने, अमेरिकी सेना के मददगारों पर हमला, उनके लिए ट्रांसलेटर का काम करने वालों को बेरहमी से पीटा गया। तालिबान की महिलाओं से नहीं कम हुई नफरत, ब्यूटी पार्लर के बाहर महिलाओं की तस्वीर पर पैंट लगाया, तालिबान नहीं देखना चाहते किसी महिला का चेहरा। आम लोगों पर तालिबानी अत्याचारों के बाद भी नहीं रुक रहा है तालिबानियों का विरोध, खोसे प्रांत में जान की परवाह किए बिना देश के झंडे के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। हिजाब नहीं पहनने पर तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी चैनल के एंकर शबनम को ऑफिस जाने से रोका, कहा हुकूमत बदल चुकी है। काबुल में महिलाओं ने तालिबानियों के खिलाफ संभाला मोर्चा और फूका बगावत का विरोध, सैकड़ों महिलाओं ने तालिबान वापस जाओ के लगाए नारे। तालिबानियों के आश्वासन के बाद अफगानिस्तान में भी डरी हुई महिलाएं अपने अधिकारों की मांग को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तालिबान का नया प्रोपेगेंडा आया सामने, टीवी रिपोर्टर के जरिए वहां की महिलाओं से कहलवाया जा रहा कि कोई समस्या नहीं है। न्यूज रिपोर्टर के जरिए तालिबानी अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहा सड़कों पर जो लड़के छेड़खानी करते थे अब नहीं करेंगे, पहले सरकार बिल्कुल बेकार थी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान के सीनियर सदस्य काबुल के लिए रवाना, तालिबानी सरकार के गठन के लिए अहम फैसलों पर होगी चर्चा। अफगानी सिंगर को मिली अमेरिकी मदद, तालिबानियों के बीच काबुल में फंसी अरियाना सईद को यूएस मिलिट्री ने रेस्क्यू किया। तालिबानियों ने एक अफगान को सरेआम मारी गोली, मोटरसाइकिल पर नेशनल फ्लैग लगाकर चल रहे शख्स की जान गई। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानियों के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, हाथ में अफगानिस्तान का झंडा लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान के पंजशीर में हालात तनावपूर्ण, अहमद शाह मसूद के बेटे और साथी अमरुल्लाह सालेह ने तालिबानियों को दी खुली चेतावनी, सिर्फ इसी इलाके पर नहीं है तालिबान का कब्जा। काबुल पहुंचने के बाद तालिबानी नेता अनस हक्कानी का सियासी फैसला, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से की मुलाकात। तजाकिस्तान में अफगानिस्तान दूतावास ने इंटरपोल पुलिस से अशरफ गनी, हमदुल्ला मोहिब और साथी फजल मोहम्मद को गिरफ्तार करने की मांग की, जनता का पैसा लेकर भागने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान में आईटीबीपी के खोजी कुत्ते K9 के घर वापसी, जवानों के साथ एयरलिफ्ट करके दिल्ली में आईटीबीपी के चावला कैंप लाए गए। हमले के बाद पाकिस्तानी टिकटॉकर ने कैमरे पर बयां किया अपना दर्द, वीडियो शूट करते समय 400 लोगों ने किया था हमला, कपड़े फाड़ने के बाद हवा में उछालते रहे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हरकत में आया चीन, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा हालत स्थिर होने पर राजनयिक रिश्तों पर रुकी बात। तालिबान के समर्थन में विवादित शायर मुनव्वर राणा जी मीडिया से बातचीत में बोले, आप तालिबानी क्यों कह रहे हैं, उन्हें अफगानी कहिए। अफगानिस्तान से लोगों के पलायन पर मुनव्वर राणा ने कहा कोई कहीं से भी भाग सकता है, उत्तर प्रदेश के जो हालात है वहां से भी भागने को जी चाहता है। मुनव्वर राणा ने कहा तालिबान से हिंदुस्तान को नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान, हिंदुस्तान का दोस्त है अफगानिस्तान। पूर्व विदेश मंत्री नरवर सिंह ने की तालिबान की वकालत, कहा भारत को पहले ही तालिबान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए थे, कहा आज तालिबान पहले से बेहतर। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सफाई, कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश, बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने दर्ज करवाया था मामला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने किया तालिबान का समर्थन, कहा अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा जायज। तालिबान का समर्थन करने वालों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की दो टोक, जो आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन है। भारत में रह रहे अफगानियों ने दिल्ली के जंगपुरा में की बैठक, देश के ताजा हालात और आने वाले समय की स्थिति पर की गई चर्चा। भारत में रह रहे अफगानी अपने परिजनों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, जी हिंदुस्तान से बातचीत में कहा इंटरनेट और फोन सेवा बाधित होने के कारण माता पिता से नहीं हो पा रही है बातचीत। अफगानिस्तान संकट के बीच रोहतक में अफगानी छात्रों से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, सभी समस्याओं का निपटारा करने को कहा। विवादित ट्वीट को लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर की बढ़ सकती है मुश्किलें, स्वरा के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज, स्वरा भास्कर ने तालिबानी आतंकी की तुलना हिंदुत्व से की थी।